हरिलाल की जय। आज लक्ष्मी मैया जैसे उस छाया को आप कभी नहीं पकड़ सकते हैं, ये उसी माया की छाया है जिसको हम लोग यहाँ लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी तो वैकुंठ में रहती कहीं, यहाँ लक्ष्मी है, रुपए पैसे इसको लक्ष्मी थोड़ी कहा जाता है, ये उसी माया की छाया है और छाया के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। आप जितना लक्ष्मी के पीछे भागोगे उतनी ही वो तुमसे दूर होगी। भगवान विष्णु बैठे हैं, देख भी नहीं रहे, और लक्ष्मी अब वरण करना चाहती है, और जो लोग लक्ष्मी के लिए मुंह चुकाए बैठे थे, क्रीम पाउडर लगाए, उनकी तरफ लक्ष्मी जी ने देखा, देखा कि ये तो बिल्कुल हमको देख भी नहीं रहा है। उन्हीं के गले में उन्होंने माला डाल दी। आज लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को वरण कर लिया। इसके बाद इससे समुद्र मंथन से एक देवी निकली, अप्सराएं निकली, स्वर्ग लोक को गई, लक्ष्मी निकली, भगवान नारायण को वरण किया। और इसके बाद एक देवी निकली जिसका नाम है बारुणी। बारुणी देवी निकली और उसके हाथ में एक कलश है। बारुणी मालूम किसे कहते हैं? बारुणी किसको कहते हैं? अरे कुछ तो बताया करो लोग, हिंदी के शब्द है, कोई अंग्रेजी थोड़ी बोलो। बारुणी किसे कहते हैं? बारुणी एक देवी निकली जिसका नाम है बारुणी। हाथ में कलश लिए है, भागवत कई बार सुन चुके हो आप लोग। किसी को पता है भाई? और नहीं पता तो मना कर दो। मोहिनी, हम पूछ रहे बारुणी एक देवी निकली, बारुणी किसे कहते हैं? इधर किसी को मालूम बारुणी किसे कहते हैं? बताओ, इतने लोग बैठे बारुणी नहीं बता पा। कहते हैं कि जैसे अब हम तो खैर मूर्ख आदमी है, हमें तो कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन हम कुछ पूछ रहे कुछ भी नहीं। बारुणी का मतलब क्या होता है मालूम? और यहाँ देखो, तुम बताओ लाखन, बारुणी किसे कहते हैं? जोर से बोलो, मैं कांत में शराब, शराब, ये शराब बता रहे हैं। बारुणी शराब को कहते हैं, मदिरा को। और मेरे पियन वाले जा बताओ, पियता हूं बगो नाउल ना, तुम्हें मालूम तो काय को पियत फालतू है कि नहीं? जो चीज हम प्रयोग कर रहे हैं ना पता नहीं तो बेवकूफी है कि नहीं? बारुणी कहते हैं मदिरा को। दैत्यों ने देखा कि ये देवी निकली और कलश जो हाथ में था उसमें थी मदिरा, छीन ली। और अमृत के चक्कर में सब दैत्यों ने छीन ली। दैत्य सबल थे। समुद्र का मंथन हुआ और बारुणी जो थी दैत्यों ने छीन ली। भागवत बड़े गौर से सुनना। लोग कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ और मदिरा निकली तो मदिरा ली किसने, किसने ली? दैत्य ने ले ली। मदिरा किन्ने ली? राक्षसन। काय के लिए ली? पीने के लिए। बोलो, आनंद जब ही आएगा जब कुछ बोलोगे। बिल्कुल भीतर कथा भरी है। समुद्र का मंथन हुआ और मदिरा ली राक्षसन, काय के लिए? पीन के लिए। तो जो पीने के लिए राक्षसों ने ली है
देवतन नहीं, तो पीने वाले कौन है? कौन है पियन के ने राक्षसन ले लई, तो पियन वाले कौन है? राक्षस बोलो सर्वात का है, जो मदिरा पिए वे कौन है? राक्षस। भागवत बताए रही भाई, मैंने आपकी गलती का है शर्माए रे कान भाई, राक्षस नहीं नहीं, अब एकांत महाराज रतन है, लेकिन वे जा भूलिया रतन तो है 14 रतन में थे, लेकिन लो तो राक्षसन हूं देवतन ने तो लो दे। अब राक्षस के वंश जाओ तो तुमको पियो भाई, आज मदिरा का पान कर लिया राक्षसों ने, और बड़े बड़े शराबी रहते हैं यहां, शराब पीने के बाद बताओ कौन सी चीज अच्छी लगती है बताओ, पक्के शराबी हुए वही बताए पाए, कच्चन के बस की बात नहीं है। ओए कोई धुरंधर शराबी बताए, अरे कछु आवे सो बताओ, कौन सी प्रदर्शनी लगी जो बेइज्जती हुई है, और पियत हो तो गांव जान तो सब रो है। नहीं नहीं इनको पहले पूछ ले, ये बड़े प्याए इन्हें लाखन रुपया पी दई और इन पनारे बाय दई, बहुत पूछ ले, और ना फालतू पैसा बर्बाद, बाप को पैसा बम्बा को पानी काय को बर्बाद करें। पक्के शराबी हो तो बताओ शराब पीने के बाद कौन सी चीज अच्छी लगती है, रोज पिए तो अनुभव करो कि पी के पीवे के बाद कैसो लगत, का चीज अच्छी लगत। जे नहीं बताए पाए कोई, जे पक्के शराबी नहीं, जे पक्के काऊ बात बनाई है, हाय कच्चे ही जे सब में जे चाहे कछु का है, मन में जे पक्के किसी विषय में सोचे लेकिन है जे काऊ बात हम पक्के नहीं, शराबी लुनाई पक्के बन पाए रोज पिए बताओ, फिर ज्यादा से ज्यादा और अनुभव कौन सा हो लाखन बताओ, मदिरा पीने के बाद क्या चीज अच्छी लगती है? सुंदरी, सुंदरी बताए रहे जी, जे तो बताए रहे लाखन सुंदरी अच्छी लगत, लाखन पी है तुमने? बात बिल्कुल सत्य है, पढ़ के देख लेना, सुरा चाहती है सुंदरी और कुछ नहीं, पढ़ी लिखी बात है, ग्रंथों से एकदम प्रमाणित। और तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया था, ध्यान रखना, नहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, मदिरे के नशे में हो गए जब, और पीली शराब अब नशे में हो गए, इसके बाद धनवंतरी भगवान अवतरित हुए और हाथ में कलश लिए हैं, देखा देखते ने ये भी कोई पीने की वस्तु, उसको भी ले लिया झपट के। अब दैत्य जब अमृत का भी कलश ले गए और देवता रोने लगे, अब क्या करें, भाग गए, इधर देवता रोने चिल्लाने लगे, भगवान को याद करने लगे, प्रभु हमको नहीं मिल पाएगा, ये सब ले गए। आज भगवान ने देखा तो सोचा कि ये मदिरा का पान कर चुके हैं, आज भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, इसीलिए मदिरा पीने के बाद सुंदरी अच्छी लगती, तो सुंदर रूप बनाया मोहिनी का, ऐसा सर्वांग सुंदर, और हाथ में कमल पुष्प लेके तिरछी नजर से और चल दिए, अब वहीं पे पहुंच जाते जहां देवता और दैत्यों का झगड़ा हो रहा है कि हम पिएंगे हम पिएंगे, ऐसा झगड़ा चल रहा है। भगवान जिसने सारा जगत बनाया है, सर्वांग सुंदर करोड़ों काम देव का रूप है मोहिनी के ऊपर, और तिरछी नजर से पृथ्वी पे देखते हुए हाथ में कमल का पुष्प लिए और हिलाते हुए पहुंच गए, दैत्यों की नजर पड़ी,
नशे की हालत में दैत्य देखा ये बहुत सुंदर अप्सरा आ रही है। आज अप्सरा को देखकर दैत्यों ने देखा कि ये कोई सुंदर अप्सरा है और कहा देवी तुम कौन हो। मोहिनी भगवान कुछ भी नहीं बोले, तुम कौन हो, ऐसा करो तुम सही समय पे आ गई हो, हम लोग नशे में हो चुके हैं और हमारे भाइयों का झगड़ा चल रहा है, आप ऐसा करें हमारे इस अमृत कलश का बंटवारा कर दें। मोहिनी कुछ नहीं बोली, ये कहा हम सब ऋषि के संतान हैं और कश्यप पंडित जी के बेटे हैं, हम सब भाई हैं, हम सब भाइयों ने समुद्र का मंथन किया है और उससे अमृत निकाला, तो आप ऐसा करो देवी ये अमृत का बंटवारा अपने हाथों से कर दो। मोहिनी ने जब ये सुना तो मोहिनी ये बोली अरे राम राम, ये सब काम हमसे नहीं होगा, ये बंटवारे का भार हम नहीं कर पाएंगे, अरे आप ब्राह्मण पुत्र और हमें आप जानते भी नहीं, और उसमें भी कश्यप बाबा, अरे कश्यप बाबा का तो मैंने नाम सुना है, बहुत प्रकांड विद्वान है, आप उनकी संतान और मुझ अपरिचित नारी पर भरोसा, ब्राह्मण लोग अपरिचित स्त्री से प्रेम नहीं करते, भरोसा नहीं करते, आप कैसे हो भाई, हम पर इस बंटवारे का भार मत छोड़ो, ऐसा कहा। अब दैत्यों ने देखा ये तो किसी अच्छे घर की अप्सरा है, देवी है और ईमानदार लग रही है, भरोसा जमाया मोहिनी ने दैत्यों के ऊपर, दैत्य समझ गए ये खानदानी कोई नारी लग रही है, मना कर रही है कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, आप इस अमृत कलश का इतना बहुमूल्य अमृत और इसका भार मुझ पे डाल रहे, ब्राह्मण किसी अपरिचित नारी पर भरोसा नहीं करते हैं, मना कर दिया, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, आप अपना काम स्वयं करो, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं किसी अपरिचित स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करते हैं, ये बुद्धिमान बुद्धिमानों का कार्य है। दैत्यों ने कहा, दैत्यों ने विचार किया और श्रद्धा दैत्यों की उस देवी के प्रति हो गई, कहा नहीं देवी आप बंटवारा कर दो। काफी जब कहा तो मोहिनी ने ये कहा कि ठीक है एक शर्त है मेरी, देखो भाई इस कलश में अमृत है और हम जब पिलाएंगे तुम लोगों को तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कम किसी को ज्यादा मिले, कोई मीटर तो है नहीं, अब कोई नाप हो कि कम ज्यादा भी हो सकता है, आप लोग नाराज नहीं हो ना, यह शर्त मान लो तो हम पिलाए, अरे कोई बात नहीं आप जैसा करना सब ठीक है, नशे में है दैत्य। आज अमृत कलश को मोहिनी के हाथों में दैत्यों ने दे दिया और कहा कि देखो, दैत्यों से कहा कि तुम लोग सुनो इसमें जो अमृत है ना तो गाढ़ा गाढ़ा बैठ गया है और पानी पानी ऊपर है, हम ऐसा करती हैं ये पानी पानी देवताओं को पिला दे रही है और गाढ़ा गाढ़ा जब नीचे का आएगा तब तुम्हें पिलाएंगे। आज दैत्यों ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा आप बंटवारा करें, देखा तो लिखा है कुछ ग्रंथों में इस तरह है इसका आख्यान, अमृत बांटने को स्वयं आए थे भगवान। आज देखा मोहिनी ने कहा कि आप लोग पहले ऐसे करो एक पंक्ति लगा लो और पंक्ति में बैठो, एक तरफ देवता
एक तरफ दैत्य, हम पहली बार में तुमको झुटलाएंगे और दूसरी बार में पिलाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जो पानी पानी है, अमृत जो गाढ़ा गाढ़ा है तरी में बैठ गया है, ये पानी पानी है देवताओं को पिला देंगी और गाढ़ा गाढ़ा दैत्यों से कहा तुम्हें बाद में पिलाएंगे, सब नीचे बैठ गया है। देवता वो दैत्य कुछ समझ नहीं पाए, भगवान का मोहिनी रूप इतना सुंदर उसी में वो खो गए, और जो मुख रूपी अमृत का पान करना हो उसको अमृत की क्या आवश्यकता है, भगवान की मुखमंडल को जो अमृत मुखमंडल का पी रहा हो, मुखामृत जिसको मिलना हो उससे बड़ा तो अमृत नहीं है। भगवान ने सोचा ये हमारे रूप को देख रहे हैं और अमृत देवताओं को पिलाना है, देवताओं का काम बनाना है, आज एक पंक्ति में बैठा ले एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य। अब देवता और दैत्य दोनों अंजलि लगाए बैठे कि अमृत पीने को मिलेगा, और बिन्ने ऊपर सतर किए मुंह की तरफ मोहिनी की। भगवान मोहिनी ने हाथ में कलश लिया और देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया। देवता और दैत्यों के बीच में एक सुरभानु नाम का राक्षस बैठा था, उसको शक हो गई कि हमारे साथ छल हो रहा है, दैत्यों को छोड़ दिया मोहिनी ने और देवताओं को अमृत पिला दिया। सुरभानु जो दैत्य था वो समझ गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, अमृत हमको नहीं मिल पाएगा। जब उसने देख लिया तो दो बूंद भगवान ने, वो जान गया कि ये मोहिनी नहीं विष्णु है, क्योंकि बहुत बड़ा छलिया है विष्णु, समझ गया कि ये भगवान है, मोहिनी के रूप में ये छल हो रहा है, और छल हो रहा है जब समझ गया तो दो बूंद अंजलि में डाल दिए, और दो बूंद आप जानते हो कहां तक पहुंचेंगे, गले तक। भगवान को जिसने पहचान लिया चाहे दुष्ट हो और चाहे देव हो उसको अमृत मिलेगा, अब आप भगवान को पहचान ही नहीं पाए, जिंदगी ऐसे ही निकाले दे रहे। भगवान ने देखा ये सुरभानु हमें पहचान गया है, और जो पहचान गया तो अमृत इसको भी देना है। दो बूंद डाल दिए, उसने वंडा फोड़ कर दिया, सबको बता दिया कि हम लोगों के साथ छल हो गया। भगवान ने सूर्य और चंद्रमा ये भी बैठे थे, कहा कि महाराज ये हम लोगों के बीच में दैत्य बैठा है। भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला और उसका शीस काट दिया, दो बूंद जो थे वो गले तक गए, नीचे पृथ्वी पे गिर पड़े, अंदर भी नहीं पहुंच पाया। जब दो पृथ्वी पे गिरे तो दोनों बूंदों से एक से लहसुन और एक से प्याज बन गया, लहसुन प्याज उसी से बना है, ये झूठा है, सुरभानु दैत्य के गले में गया है मुंह से, लेकिन है अमृत, झूठा होने के नाते इसका भोग भगवान के किसी भी प्रसाद में नहीं लगता है, यही कारण है इसका। आज शीश जब कट गया तो उसके दो नाम पड़ गए, एक राव एक केत। उसने कहा महाराज अब दो क्या चार खंड कर दो, हमारे खंड खंड कर दो मेरे, लेकिन ध्यान रखो अमृत अगर विधि के विधान में बनाया गया अमर होने के लिए तो अब महाराज मैं अमर हो चुका हूं, दो बूंद मिल गए तो क्या हुआ, अमर तो है। भगवान विष्णु ने विचार किया, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्रोध को शांत कर लिया कि अमृत पिलाया मैंने अपने हाथों से और ये अमर हो गया। कहा महाराज आप 100 टुकड़े कर दो, जितने टुकड़े करोगे अमर ही रहेंगे अब हम। आज ऐसा कहा कृष्ण देव ने चक्र से काट दिया झट माथ, ऊपर दोनों ही भाग बे रहे जीव के साथ। सोचा लिखा है भगवान नारायण बड़े क्रोध में उसके और भी खंड खंड कर देते, लेकिन विचार किया कि अमर ही रहेगा,
कहा है संत ने कि विष्णु जी क्रोध पूर्वक उसके और भी खंड कुछ कर देते और पर हाथ जोड़ मुंड ने कहा हिलती सांसें लेते लेते आपने अमर रतन मरने को नहीं बनाया है हे देव आपने अमृत रतन मरे को आपने अमर रतन मरने को नहीं बनाया है मरने को नहीं बनाया मरने को नहीं बनाया है और जिसको उसका मिल गया घूट जिसको मिल गया घूट जग में वह अमर कहाया है